नमस्कार प्यारे बच्चों, आई एम अजय यादव। कैसे हैं आप सब? रिफ्लेक्शन जो टॉपिक था अपना, वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे आज, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे और कुछ एक फॉर्मूलों के बारे में हम आज जानेंगे, है ना। तो चलिए आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। शाबाश। देखो, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो मैं रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगी प्यारे बच्चों? इट इज द फिनोमेनन ऑफ इट इज द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्शन क्या होगा? लाइट के पाथ में चेंज होगा। कब? अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, है ना। तो देखो कैसा होगा अपने पास, सुनो। अच्छा, लाइट के पाथ में क्यों चेंज होगा? कोज क्या है रिफ्रैक्शन का? देखो, लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, वैक्यूम में, लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, कहां पर? वैक्यूम में। वो क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ये कम स्पीड है? ज्यादा स्पीड है? ये बहुत ज्यादा स्पीड है। ये क्या है? बहुत ज्यादा स्पीड है। इस स्पीड के साथ लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है ना। लेकिन जब वो किसी दूसरे मीडियम में जाएगी बच्चों, वैक्यूम कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम या डेंसर? हालांकि रेयर डेंसर की चर्चा अभी हमने नहीं की है, लेकिन वैक्यूम हल्का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, उसमें स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। अब अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम पर आएगी, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है बच्चों 1। अब अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो स्पीड लाइट की चेंज होगी बच्चों। क्या चेंज होगी? स्पीड लाइट की चेंज होगी। तो आप तो ये मान के चलिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण लाइट की क्या चेंज हो जाती है बच्चों? स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने के कारण क्या होता है अपने पास? रिफ्रैक्शन होता है। उसका पाथ भी क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है ना। तो ये अपने पास स्पीड लाइट की होती है किसमें बच्चों? वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। तो जो अपने पास बच्चों कोज आएगा रिफ्रैक्शन का, क्या आएगा बच्चों? कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड चेंजेस। क्या कह रहे हैं सर इसमें? हम कह रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और यही क्या है? कोज है रिफ्रैक्शन का। यही क्या है? कारण है रिफ्रैक्शन होने का। ठीक है, चलो भाई शाबाश, इतना हमने जान लिया है ना। क्या मैं इनको मिटा दूं? इनको अभी मैं क्या करता हूं बच्चों? मिटा देता हूं, है ना। देखो, आ जाओ भाई शाबाश। देखो, सुनो, समझो, है ना। देखो बच्चों, ये मान लो अपने पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या मान लिया हमने? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसको हमने एक्स वाई माना। क्या माना? एक्स वाई माना। यहां से लाइट अपने पास इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, है ना। यहां से लाइट इस सरफेस पे क्या हुई अपने पास है? इंसिडेंट हुई। सरफेस पे लाइट क्या हुई बच्चों? इंसिडेंट हुई। तो इस रे को अपन क्या बोल देंगे?
इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट रे, है ना। अब सरफेस पे रे इंसिडेंट हुई तो बच्चों उस पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई है उस पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उस पे अपन क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना बच्चों, उस पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम क्या मानेंगे कि लेट एक्स वाई बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बिल्कुल धीरे धीरे, लेट एक्स वाई बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडियम्स। अबव द रिफ्रैक्टिंग सरफेस वी हैव ए मीडियम नेम्ड मीडियम वन एंड बिलो इज वी हैव अनदर मीडियम नेम्ड मीडियम टू, है ना। उसका नाम हमने क्या रखा बच्चों, मीडियम वन रखा, और नीचे वाले का नाम क्या रखा बच्चों, मीडियम टू रखा, है ना। अब दोनों मीडियम क्या हैं, अलग अलग हैं। अब बच्चों ऑप्टिक्स के अंदर है ना, हम मीडियम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं सर उसको, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपन। तो क्या बोला बच्चों कि मीडियम वन क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, किससे, छोटे एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो जो बच्चों मीडियम वन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने क्या माना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना एन वन। क्या माना, एन वन माना। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, एन वन मान लिया हमने। और जो सर मीडियम टू है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं एन टू। क्या मान लेते हैं, एन टू। क्या मान लेते हैं, एन टू। अब बच्चों देखो, एक एन वन है एक एन टू है, तो एक दूसरे के इक्वल तो है नहीं, है ना। तो कोई ग्रेटर होगा और कोई क्या होगा, लेस होगा। तो सर हम मान लेते हैं कि एन टू इज, लेट अस अज्यूम एन टू इज ग्रेटर देन एन वन। लेट अस अज्यूम एन टू इज ग्रेटर देन एन वन। एन टू एन वन से क्या है, ज्यादा है। तो जो बच्चों जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो एन टू इज ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, है ना। नोट करते चलना, फॉर्मूले जाएंगे उससे बहुत चीजें पता चलेंगी कि ऑप्टिकली डेंसर में स्पीड कम होगी, लाइट की ज्यादा होगी, है ना, है ना। इन चीजों को देखो, तो एन वन क्या है बच्चों, ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। एन वन क्या है, ऑप्टिकली रेरर मीडियम है। ये बात अपने को समझ आती है सर, है ना, ये बात अपने को समझ आती है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अब लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में आएगी तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट तो आएगी नहीं, है ना, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों रिफ्रैक्शन की, कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तब उसका पाथ है चेंज होगा, उसका पाथ है चेंज होगा, या तो इधर अंदर की तरफ आएगी या इससे बाहर की तरफ आएगी, बिल्कुल सीधे नहीं आएगी। तो सर किधर आएगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, है ना। तो बच्चों नोट डाउन करो, अपनी नोटबुक उठा के क्या लिखो, कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों, नोटबुक लेके अच्छे से, है ना, बिना नोटबुक के मत बैठना, है ना। तो लिखो बच्चों कि ऑप्टिकली क्या लिखोगे, नोट बना के दो पॉइंट्स लिखो, नोट बना के मैं आपको बोल देता हूं, नोट बना के वन और टू, टू पॉइंट्स लिखो, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो बच्चों, व्हेन एवर लाइट रे गोज फ्रॉम, व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम, ये रेरर मीडियम है अभी, ये डेंसर मीडियम है, है ना। तो व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, टू द डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। हाँ सर समझ में आ गया, लिख लिया हमने, स्क्रीन पॉज करके लिख लेंगे हम अगर जल्दी हो गया होगा तो, है ना। तो सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, व्हेन एवर लाइट गोज, व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम,
देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों पहले वाला पॉइंट है, दूसरे वाला, पहले वाला रेयरर से लाइट किधर आ रही है बच्चों, डेंसर मीडियम में आ रही है, किधर आ रही है, डेंसर मीडियम में, है ना। तो ये किधर बेंड हो जाएगी बच्चों, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये किधर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, किधर बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, क्या हो जाएगी ये, रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल आई, क्या बोलते हैं, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल आर, क्या बोलते हैं, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखो पहला पॉइंट नोट कीजिए बच्चों कि ये अपने पास क्या है, इंटरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है ना। तो पहली कंडीशन अपन मान के चलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर एन टू है, अपने को समझ आती ही ये बात। और हम मान लेते हैं बच्चों कि पहले वाले पॉइंट में एन वन इक्वल टू एन टू, एन वन इक्वल टू एन टू, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है, यानी कि कोई रेयरर कोई डेंसर दोनों में से नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। तो बच्चों लाइट अगर स्ट्रेट आ ऐसे आ रही है तो बिल्कुल सीधा ऐसे ही पास हो जाएगी, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है ना, ये समझ आ गया सर हमको। इसी तरह दूसरा है बच्चों, हम मान लेते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1। अच्छा सर बताओ ये भी हमें, ये क्या माना बच्चों, हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस माना, ये लाइट इंसिडेंट हुई है ना, जनरल केस पढ़ रहे हैं ना, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल भी आ गया, टपक गया यहाँ पे लाइट आते ही, है ना, ये क्यों पीछे रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन माना, इसका एन टू माना, तो एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, मतलब नीचे वाला डेंसर और ऊपर वाला रेयरर, लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो सर आपने तो बताया था ये किधर जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमने इसको किधर बेंड कर दिया, टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसी तरह बच्चों अगर अपने पास थर्ड केस हो कि n1 इज ग्रेटर देन n2, क्या हो, n1 इज ग्रेटर देन n2 हो, तो बच्चों ऊपर वाला n1 नीचे वाला n2, अब n1 डेंसर मीडियम है और n2 रेयरर मीडियम, तो डेंसर से रेयरर में लाइट आएगी तो क्या बताया था वो किधर जाएगी प्यारे बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप इन तीनों पॉइंट को नोट करोगे, इन तीनों पॉइंट को समझोगे, अपने मन मंदिर में बात को बसा लोगे एकदम से, तो आपको रिफ्रैक्शन में कोई कष्ट नहीं आने वाला है ना। तो इन तीनों को नोट करो बच्चों और अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, है ना। अब सुनो बच्चों, कर लिया नोट, स्क्रीन पॉज करके आराम से नोट कर लेना, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पॉइंट डालिए, है ना, पहला पॉइंट डालिए बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ, है ना, बोल के लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट लिखो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, वही फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी है ना। तो लिखो व्हेनेवर द लाइट गोज, व्हेनेवर द लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, या फिर व्हेनेवर द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेनेवर द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then frequency of light do not change, then frequency of light do not change, but the velocity and wavelength of light change, but the velocity and wavelength of light change। तो याद रखना बच्चों जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ
चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर पहले मीडियम में अगर अपन फ्रीक्वेंसी एफ वन मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को अगर एफ से डिनोट करते हैं, पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी एफ वन मानते हैं, दूसरे में एफ टू मानते हैं, तो एफ वन एफ टू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि एफ वन इक्वल टू हमेशा किसके होगी प्यारे बच्चों, एफ टू के इक्वल होगी, है ना। हाँ सर, ये बात अपने को समझ में आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेटा सोर्स की प्रॉपर्टी है ना, वो चेंज नहीं होने वाली है ना। सेकेंड लिखो बेटा, वही जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखा था कि ऑल द रेज इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑल द रेज इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। अभी आपके लिए बस इतना ही है, ट्वेल्थ में इसका फॉर्मूला भी बन जाता है सेकेंड लॉ का, है ना। तो ऑल द रेज इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, मतलब इसी दीवार पे सारे लाई कर जाएंगे, इस बोर्ड पे ही सारे लाई कर जाएंगे, एक ही प्लेन में सारे के सारे लाई कर जाएंगे, है ना। थर्ड लो लिखो बेटा, थर्ड लो लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं इधर से मिटा भी देता हूं, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए थर्ड लो ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड लो लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए मीडियम एट ए पॉइंट इज कॉन्स्टेंट, इन ए मीडियम एट ए पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। और जो बेटा जो थर्ड लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, देखिए आइए मिलके करते हैं, है ना। कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब क्या है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन माना और इसमें एन टू माना, तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉन्स्टेंट, मतलब इस मीडियम में जो होगा वही किसके इक्वल होगा, इस मीडियम वाले के इक्वल होगा। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, एन टू इंटू एंगल क्या है यहां पर आर, तो साइन आर आ जाएगा सर, साइन आर। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम इसको, कि साइन आई इक्वल टू एन टू बाई एन वन साइन आर, और साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन टू बाई एन वन। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन टू बाई एन वन किसके इक्वल आ गया, साइन आई बाई साइन आर के। एन टू बाई एन वन किसके इक्वल आ गया, साइन आई बाई साइन आर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वन एन टू इक्वल टू एन टू बाई एन वन साइन आई बाई साइन आर, है ना। This law is called Snell's law. इस law को क्या बोलेंगे बच्चों, Snell's law. This law is called Snell's law. One and two क्या है बच्चों, One and two is the refractive index. One and two is the refractive index. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, One and two is the refractive index of medium two. With respect to medium one, of medium two with respect to medium one, one and two क्या कहलाएगा बच्चों, it is the refractive index of medium two with respect to medium one. हाँ सर, ये बात समझ में आ गई अपने को। तो बच्चों याद रखना, one and two equal to n two by n one equal to sine i by sine r. One and two को हम लिखते हैं बच्चों n two by n one. और अगर कोई बोल दे कि सर 2n1 भी तो लिख सकते हैं, तो 2n1 को लिखते हैं बच्चों n1 by n2, है ना। तो ये बातें आपके मन मंदिर में बिल्कुल एकदम फिट बैठ जानी चाहिए, है ना, तभी अपने को रिफ्रैक्शन पढ़ने में कोई समस्या नहीं आने वाली। बच्चों यहां से यहां तक ये स्नेल्स लॉ है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में ना कदम कदम पे इसका यूज होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके कदम डगमगा सकते हैं, है ना। तो अच्छे से इनको गांठ बांध लो और एकदम से दिमाग में बिठा लो, है ना। चलो बच्चों स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो।
आ जाओ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डालो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या डालोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, है ना। सुनो, थ्योरी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे इनके बिना, है ना। तो सबसे पहले तो लिखो बेटा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ, लिखो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स ओनली, या फिर लिखो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लेना सुन के अच्छे से, है ना। अब देखो बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को बेटा एन से डिफाइन करेंगे। ये क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत ही आसान सा समझने का लेक्चर है, स्टेप बाय स्टेप, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहां पर देखो, मैंने 1 2 या फिर 2 1 क्या ऐसा मैंने कुछ लिखा है? नहीं लिखा। इसलिए कैसा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बच्चों? इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, है ना। यानी कि अपन लिख सकते हैं कि n इक्वल टू c बाई v। स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम में किससे डिनोट करते हैं बच्चों? c से डिनोट करते हैं, और मीडियम में v से हमने डिनोट कर दिया, है ना। अब मान लो, अब रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात कर लेते हैं? सर, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा दीजिए, है ना। तो बच्चों, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की भी अब अपन बात कर लेते हैं। इसमें कौन सी खास बातें, है ना, चलो आओ मिलके करते हैं। देखो, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, मान लो अपने पास कोई दो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड अलग अलग मीडियम है, है ना। मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड, यहां पर लाइट चल रही है, उसकी स्पीड v1 है, इसमें क्या है? v2। बताया था मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, सेकंड लॉ में, कि वेलोसिटी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा बच्चों? मीडियम वन में, किसमें? इन मीडियम वन हम क्या लिख सकते हैं? n1 इक्वल टू c बाई v1। n इक्वल टू क्या है बच्चों? c by v, तो n1 इक्वल टू c बाई v1। n2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? c बाई v2। क्या लिख सकते हैं? c बाई v2। तो बच्चों, दोनों को डिवाइड करेंगे तो n1 बाई n2 क्या आ जाएगा? बोलो, c बाई v1 अपॉन c बाई v2। c ने c को मार दिया, v2 पलटी मार के ऊपर चला गया, तो n1 बाई n2 किसके इक्वल आ गया बच्चों? v2 बाई v1 के इक्वल आ गया। अब देखो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, है ना, बच्चे हो, सुनो। तो देखो, यहां तक नोट हो गया बच्चों? देखो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अब इसको उठा के यहां पर शिफ्ट कर दे रहे हैं। n1 बाई n2 किसके इक्वल आ गया? v2 बाई v1 के। बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन निकलेंगे इनसे बच्चों, पहले सुनो बातों को, है ना। अब देखो, अच्छा टॉपिक चल रहा है, अच्छे से, है ना, बने रहिए और नोट करते रहिए समझ के इनको। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है ना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इनका, इनके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। अब देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, देखो 9th में वेव्स वाले चैप्टर में भी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाई वेवलेंथ होता है ना, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ।
वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो बच्चों v1 पहले वाले मीडियम में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, f और इनटू लैम्डा 1, क्योंकि बताया था लाइट जब एक से दूसरे में जाती है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ ही तो चेंज होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, वो पहले में भी f रहेगी और दूसरे में भी f रहेगी। और v2 क्या आ जाएगा सर, वो भी बता दो, वो आ जाएगा f लैम्डा 2 आ जाएगा। अच्छा सर यहाँ पे रख दो ना सर, v2 v1 है तो सही, तो v2 क्या है, लो बच्चों रख देते हैं f लैम्डा 2। v1 क्या है, v1 सर ये रहा f लैम्डा 1, लिख दो सर ऊपर नीचे f से तो f कैंसिल हो रहा है तो कर दिया हमने कैंसिल, तो क्या आ गया बच्चों n1/n2 इक्वल टू v2/v1 इक्वल टू λ2/λ1। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, रिलेशन है, क्या है रिलेशन है ना। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो अच्छे से, बेहतरीन नोट्स बनाओ इनके, फिर इस रिलेशन से एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्क्लूजन अपन ड्रॉ करेंगे, इस रिलेशन से एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बच्चों कॉन्क्लूजन अपन ड्रॉ करेंगे। फिलहाल आप एक बार स्क्रीन को पॉज करो और लिखो, बहुत अच्छे से नोट्स बना दो इनके, यहां से ये सब ऐसे चल रहा है और फिर यहां जंप मार जाना है ना, ऐसे आ जाना, ठीक है नोट्स बनाओ। हो गया बच्चों नोट, आ जाओ है ना। अब देखो अपना जो कुछ कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं हम इनसे है ना, जो फर्स्ट कॉन्क्लूजन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, n=c/v, मतलब क्या है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या फिर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा, स्पीड कम स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम। इसका मतलब क्या समझे सर, कि सर जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और उसमें स्पीड कम होगी है ना। तो बच्चों लिखो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और इसमें इस हेडिंग के अंडर लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना अगर फास्ट लगे तो, क्या लिखो, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच ऑप्टिकली रेयरर, मतलब एन कम तो स्पीड ज्यादा, तो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इज सेट टू बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बेटा स्क्रीन पॉज करके लिख लेना फास्ट लगे तो, पर छोड़ मत देना है ना। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, पूरा लिख लेना इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मतलब एन ज्यादा तो स्पीड कम, तो लिखो बच्चों ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसमें बच्चों स्पीड लाइट की कम आएगी उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अपन बोलेंगे है ना, ये बात है। अब बच्चों देखो n का v के साथ तो अपन ने रिलेशन देख लिया, यहां से भी दिख रहा है n1 तो v1 नीचे, और n का बच्चों लैम्डा के साथ क्या रिलेशन है, n1 क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना लैम्डा 1 के भी, और यहां से देखो n2 भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा 2 के भी है ना। तो क्या समझे नादान परिंदों, क्या समझे हम, n1 क्या है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा 1 के, तो क्या समझे, देखो If wavelength is more, अगर ज्यादा है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, अगर वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड क्या समझे, इफ वेवलेंथ इज लेस, अगर वेवलेंथ लेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर मांगे है ना,
इफ वेवलेंथ इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या समझे सर, ये समझे कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा या सबसे कम, सबसे ज्यादा। अगर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो अगर रेड कलर की बात करें कि इसकी रेड कलर के पीछे पड़ जाते हो सर, रेड कलर की बात करें तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, लार्ज। क्या होगी, लार्ज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका, लेस। क्या होगा, लेस। और अगर वोयलेट कलर की बात करें तो वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी। वोयलेट की वेवलेंथ सबसे कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, मोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मोर होगा, है ना। तो ये सब कंक्लूजन अपन यहां से बच्चों ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको जानकर बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। ये कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्रीन पॉज करो, जो जो लिखा है लिख डालो, जो जो बातें बोली हैं उनको लिख डालो, कुछ छोड़ो मत, है ना। सब कुछ काम का है, जरूरी है। एनटीएससी में ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रहेगा तभी अपन लोग अपने सवालों को कर पाएंगे, है ना। शाबाश, नोट करो। आ जाओ बालको, देखो यहां तक अपन लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन है, आपको करना है। क्या है, इफ INJ रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम I टू मीडियम J, देन द प्रोडक्ट 2N1 इंटू 3N2 इंटू 4N3 इज इक्वल टू। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बता रखा है मैंने आपको कि 1N2 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1। इसी तरह इन सब को भी हम लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है और बताना है चारों में से क्या अपना आंसर आएगा, है ना। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लेना, और इसका जो भी आंसर आए नीचे सही आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। जो नेक्स्ट अपना, और सभी को करना है क्वेश्चन, है ना, सबको करना है। और जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसके अंदर हम रिफ्रैक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर कल ही करेंगे और रिफ्रैक्शन को अपना और आगे बढ़ाएंगे, और इसके अंदर स्लैब के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट रे स्लैब पर इंसिडेंट होती है तब अपने पास क्या होगा, है ना। रिफ्रैक्शन उसके अंदर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। टैंक में जब वाटर से भरा हुआ हम देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर दिखाई देता है, शिफ्टेड, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में जो चर्चा होगी अपनी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और बने रहिएगा, है ना, और इस क्वेश्चन को कीजिएगा। थैंक यू।